out of your busy schedule. Thank you very much, sir. Now everybody, sir is here. So please welcome to sir. Huge round. We are from Basipatmana. First of all, we are serving in the field of education since 1996. Our journey started in 1996 with a school named Pine Grove Public School, that is in Basipatmana. Then afterwards, in 2007, we started our B.Ed. College, that is Pine Grove College of Education, as well as we started NIOS Center also. In 2018, we started our college, Pine Grove College of International Studies, that is also situated in Basipatmana. In 2019, we started UPI. And in 2020, last not the least, we added a new thing in the feathers of Pine Grove Group of colleges, that is Aspire College. So our Honorable Director Sir is here with us. He will throw light on the courses available in the UPI studies. He will tell us what is UPI is all about, right? So I invite Dr. Vikas Kaushal to kindly address you all. Hello all of you. So Hindi is okay with you, right? Yes, sir. So main Hindi mein dunga lecture. Online bhi jo bhi dekh rahe hain, I think for them also Hindi is okay with them. So aaj hum baat karenge, madam ne jaise bataya ke we have different institutes, schools and colleges in district Fatehgarh Sahib. I am the managing director of those colleges and schools. And then I am also managing director of UPI. UPI is University Pathways International, and Aspire College, Canada. Aspire College is in Moncton, New Brunswick, in Canada, approved and accredited by Ministry of Education of Canada. So today we will talk about the journey of a student. A student जो plus two के बाद या graduation के बाद यहाँ से बाहर जाना चाहता है, उसकी journey के बारे में आपको थोड़ा सा मैं briefing करूँगा. क्योंकि आप सभी उसी एज ग्रुप के अंदर हैं. एक बच्चा जब प्लस टू पास करता है, उसके मन में होता है कि मैंने अब्रॉड जाना है हायर स्टडीज के लिए. जब अब्रॉड जाना होता है तो सबसे पहले स्टेप आता है आईएलटीएस का. वो सारी अपनी इन्फॉर्मेशन गूगल से गैदर कर लेते हैं बच्चे, आप लोग के आईएलटीएस क्लियर करना पड़ेगा जी. आईएलटीएस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले लेते हैं. आईएलटीएस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके यू स्टार्ट वर्किंग फॉर आईएलटीएस. आपको पता है कि कनाडा के लिए 6 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है. 90% जो इंक्वायरीज आती हैं वो कनाडा के लिए आती हैं. अदरवाइज कंट्रीज और भी हैं, यूके है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, हर जगह पे स्टूडेंट जाते हैं. बट 90% ऑफ द क्राउड वांट्स टू गो टू कनाडा. सो आपको पता है कनाडा के अंदर प्लस टू के बाद जब आपने डिप्लोमा या डिग्री करने के लिए जाना होता है तो 6 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है. 99% स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है, एक ही थॉट होता है कि हमने डिप्लोमा करने के लिए जाना है. 2 साल का डिप्लोमा आईएलटीएस करने के बाद आईएलटीएस का पेपर देते हो, उसके बाद आपके एजुकेशनल कंसल्टेंट्स जो मार्केट के अंदर बैठे हैं, जिनको डिफरेंट वर्ड्स के साथ लोग यूज करते हैं, मैं उनको एजुकेशनल कंसल्टेंट ही कहूंगा, तो उनके पास आप लोग जाते हो और आप कहते हो कि मैं, मेरा आईएलटीएस का ये स्कोर आया है और मैं बाहर जाना चाहता हूँ. वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपकी प्रीवियस एजुकेशन के बेस के ऊपर कैनेडा में किसी ना किसी कॉलेज से आपको ऑफर लेटर मंगवा के देती है. उस ऑफर लेटर का आपको कुछ नहीं पता होता कि उस कॉलेज के अंदर जो कोर्स आपको दिया गया उसकी क्या रेलेवेंस है, उस कोर्स की क्या, जो आपकी फ्यूचर स्टडी और ओल्ड स्टडी उसके अंदर कोई कनेक्शन है या नहीं है, वो आपको नहीं पता होता. स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि उसकी एसओपी के अंदर क्या लिखा गया है. एसओपी होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो हरेक वीजा फाइल के अंदर साथ में लगती है. उस एसओपी के बेस के ऊपर ही वीजा ऑफिसर वीजा अप्रूव करता है. सो किसी भी कॉलेज से जिनके साथ उनका एजुकेशन कंसल्टेंट का टाइप होता है वहाँ से ऑफर लेटर मंगवा देते हैं. ये भी नहीं देखा जाता कि क्या वो कॉलेज पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव्ड है कि नहीं है. पीजीडब्ल्यूपी होता है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्रूव प्रोग्राम्स. ये वो प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर अगर बच्चा एडमिशन लेगा तभी आपको वर्क परमिट इशू होता है वहां पर डिप्लोमा करने के बाद. और इनफैक्ट पढ़ते पढ़ते भी जो 20 घंटे
हर हफ्ते मिलते हैं आपको, वो तभी इशू होंगे अगर उस कॉलेज के पास PGWP अप्रूव प्रोग्राम है। सो बच्चे के पास अगर ऑफर लेटर आई जिसके अंदर वो PGWP अप्रूव प्रोग्राम नहीं है और वो फाइल उसकी गो थ्रू करने के लिए कंसल्टेंट आगे भेज देते हैं, उसमें IELTS का सर्टिफिकेट होता है, ऑफर लेटर होती है जो उस कॉलेज की जो PGWP अप्रूव नहीं है और प्लस उसका प्लस टू का, जब वीजा ऑफिसर के पास वो फाइल जाती है वो देखता है कि ये बच्चे ने प्लस टू की है नॉन मेडिकल में या प्लस टू की है कॉमर्स में और वो किस कॉलेज के अंदर जा रहा है, कनाडा में एक कुकरी कॉलेज के अंदर जहाँ पे कुकिंग सिखाई जाती है, कोई रेलिवेंस ना हुई उसकी SOP के अंदर वही चीज़ एक्सप्लेन की जाती है। फिर वो वीजा ऑफिसर देखते हैं कि इस कॉलेज के पास तो PGWP अप्रूव प्रोग्राम भी नहीं है, दैट मीन्स बच्चे का मोटिव जो है वो वहाँ जाकर सिर्फ और सिर्फ काम करना है, सेटल डाउन होना है, दैट्स ऑल, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो वो बच्चा उसका उनकी कंट्री के लिए एक एसेट नहीं प्रूव होगा, एक बर्डन प्रूव होगा, तो वीजा फाइल रिफ्यूज हो जाएगा। दूसरे सिनेरियो के अंदर PGWP अप्रूव्ड कॉलेज के अंदर ही बच्चे को भेजा जाता है पर वहां पे भी कोर्स रेलेवेंस नहीं होती है। तीसरे सिनेरियो में अगर कोर्स रेलेवेंस है तब भी हम लेके चलते हैं, PGWP अप्रूव्ड प्रोग्राम है, बच्चा 2 साल का डिप्लोमा करने के लिए बाहर जा रहा है। अल्टीमेट एम जो भी बच्चे बाहर जाते हैं उनका क्या होता है, अल्टीमेट एम होता है कि हमने परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, PR लेनी है, वहां जाके सेटल डाउन होना है, अपने नेक्स्ट जनरेशन को वहां पे बुलाना है, अपने पेरेंट्स को वहां बुलाना है, अपनी फैमिली को वहां सेटल डाउन करना है, इसीलिए स्टूडेंट वीजा लेते हो, इसीलिए पढ़ने जाते हो, पहला स्टेप यही है बाहर जाने का। वो एक बच्चा जो वहां डिप्लोमा करने चला गया, डिप्लोमा खत्म करने के बाद 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, ठीक है, उस वर्क परमिट के बाद जब वो 1 साल काम कर लेता है तो उसको लगता है कि मेरी तो भी 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है कनाडा में, तो उसको लगता है कि मेरी PR की फाइल अब बहुत हो जाएगी, PR की फाइल के लिए वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाता है तो उसको पता चलता है कि मेरे तो भी पॉइंट ही नहीं बन रहे क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया, तो वहां पे वो फिर फिक्स में पड़ जाता है। तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट उसको कहता है कि आपको अगर PR लेनी है तो आपको कोई एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, वो एम्प्लॉयर जो आपको स्पॉन्सर करेगा, स्पॉन्सरशिप के पैसे लिए जाते हैं जिसके जिसको LMIA कहा जाता है, वो एम्प्लॉयर आपकी लेबर सर्टिफिकेशन करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ कनाडा से, उस लेबर सर्टिफिकेशन के चार्जेस हैं $25,000 से लेकर $40,000 जो स्पॉन्सर आपसे चार्ज करता है, ठीक है। सो प्लस टू के बाद 2 साल का डिप्लोमा, उसके बाद 1 साल का काम, उसके बाद $40,000 आप दे रहे हो स्पॉन्सर करवाने के लिए, उसके बाद आपकी LMIA अप्रूव होती है 9 महीने में, 9 महीने के अप्रूवल के बाद आपकी फिर फाइल लगाई जाती है जिसमें तैयारी करने में 6 महीने लगती है, और LMIA की फाइल जब PR के लिए जाती है उसके अंदर कम से कम 2 साल का टाइम लगता है PR। सो आप देख सकते हो 2 साल का डिप्लोमा, 3रा साल आपने वर्क परमिट लगाया, 1 साल आपकी ऑलमोस्ट LMIA अप्रूवल के लिए लग गया, उसके बाद आपकी 2-3 साल और लग रही है फाइल। इन टोटल जो डिप्लोमा करने के लिए बच्चे जाते हैं उनको 8 साल के बाद PR मिलती है, वो भी अगर उनकी किस्मत अच्छी है और वो $40,000 LMIA बाय करते हैं तब। गॉट माय पॉइंट? तो ये तो एक सिनेरियो हो गया डिप्लोमा के लिए जो बच्चे जाते हैं। जो बच्चे जाते हैं डिग्री के लिए, आपको पता है कि कनाडा में डिग्री 4 साल की है, हमारे यहाँ पे 3 साल की होती है प्लस टू के बाद, बाहर 4 साल की होती है। सो जो बच्चे प्लस टू के बाद IELTS क्लियर कर लेते हैं और कनाडा में 4 साल की डिग्री के लिए जाते हैं, सबके मन में होता है कि 4 साल की डिग्री मतलब 4 साल की फीस, डिप्लोमा के लिए 2 साल की फीस देनी है, 1 साल की फीस जो हमसे डिप्लोमा की पर ईयर की होती है नॉर्मली होती है 18,000 से लेकर $24,000। जो एजुकेशन कंसल्टेंट के पास बच्चे जाते हैं वो कहते हैं कि हम आपकी 1 साल की फीस भरवा रहे हैं, कहते हैं वो $18,000 से $24,000 ही लेते हैं मगर आपकी भरी जाती है 6 मंथ्स की फीस, 1 सेमेस्टर की। तो वहां पे आपको स्टूडेंट को नहीं पता होता कि कहा गया मुझे 1 साल की फीस के लिए मगर भरी गई है 6 महीने की फीस, वो पता तब चलता है जब आप बाहर चले जाते हैं, वहां पहुंच के जब कॉलेज आपको 6 महीने के बाद कहता है कि आपकी 1 सेमेस्टर की फीस आई थी अगले सेमेस्टर की फीस पे करो। तो जब डिग्री की बात आती है तो बच्चा कहता है कि मैं 4 साल के लिए $20,000-$30,000 भरूंगा, वो तो $80,000 हो गया मेरा, ठीक है 50 लाख रुपया हो गया, मैं तो कर नहीं सकता, ठीक है बहुत महंगी पड़ती है डिग्री। उसके लिए वहां पर हमने एक सोल्यूशन निकाला है, आपको पता है इंडिया के अंदर पाथवे सिस्टम चलता है, पाथवे है 2+2, 2 साल बच्चा यहाँ पर लगाता है और 2 साल बच्चा बाहर जाके लगाता है, 4 साल की डिग्री 4 ही साल में होती है, ठीक है। वहां पे स्टेप इन होता है UPI, UPI इज यूनिवर्सिटी पाथवेज इंटरनेशनल। UPI एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी बॉडी है जो करिकुलम प्रोवाइड करते हैं और वो करिकुलम उनका PhD अप्रूव्ड होता है UK के अंदर, कनाडा गवर्नमेंट के अंदर, कनाडा गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया हुआ है,
एस्पायर कॉलेज जो हमारा है उसके अंदर भी वही करिकुलम चलता है एंड डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे पास यूपीआई का करिकुलम है, मैं आपको इंडिया के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। जैसे इंडिया में स्कूल्स होते हैं, इंडिया में स्कूल्स के अंदर कौन सा सिलेबस चलता है? सीबीएसई का। सो सीबीएसई हो गया यूपीआई, उसको अप्रूव कौन करता है? यूजीसी, राइट। इंडिया में यूजीसी हो गया एस्पायर कॉलेज, एटीएचई यूके या कैनेडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो हम यूजीसी के लेवल पे रहते हैं। सो इसलिए जब हम यूपीआई की बात करते हैं, यूपीआई का जो करिकुलम है उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो आपके लिए क्रेडिट ट्रांसफर अरेंजमेंट क्रिएट करता है, पाथवे बनाता है। जब हमने एक कॉमन सिनेरियो देख लिया बच्चों का, अब हम आते हैं सिनेरियो, एक स्टूडेंट जब यूपीआई के अंदर एडमिशन लेता है यूनिवर्सिटी पाथवे इंटरनेशनल एक्रेडिटेड एजुकेशन सेंटर्स या कॉलेजेस, जैसे आपका यहाँ पे वजीद सर ने केबी मैनेजमेंट सर्विसेज, केबी मैनेजमेंट जो इंटरनेशनल स्टडीज का इन्होंने स्टार्ट किया है, इन्होंने यूपीआई के साथ टाई अप करके एक्रेडिट करवाया अपने सेंटर। अब यूपीआई के कोर्सेज इनके सेंटर में यहाँ पे चलेंगे विच विल बी एक्रेडिटेड बाय एस्पायर कॉलेज कैनेडा, एटीएच यूके एंड ऑल द यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड, राइट। सो मैं आपको इसका जस्ट बता देता हूँ यूपीआई का। जब एक बच्चा प्लस टू पास करता है, प्लस टू करके आप आईलेट्स की कोचिंग स्टार्ट करते हो, आप आईलेट्स की कोचिंग के लिए नॉर्मली 4 से 6 महीने लगाते हो, कई बच्चे 9 महीने भी लगाते हैं, कई को 1 साल भी लगता है, डिपेंडिंग अपॉन हर एक का अपना कैलिबर है, हर एक की अपनी इंटेलिजेंस है। जब आप आईलेट्स के अंदर ज्वाइन करते हो साथ ही आप यूपीआई के कोर्स के अंदर एनरोल कर लेते हो, जो प्लस टू के बाद यूपीआई का कोर्स है, उस कोर्स को 6 to 9 months लगते हैं, कई बच्चे उसको 1 साल लगा देते हैं, कई बच्चे उसको 4 महीने में भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। वो बच्चे के इंटरेस्ट और कैलिबर के साथ साथ जो टीचर्स उनको करवा रहे हैं उन टीचर्स के भी ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो 4 से लेकर 9 महीने के बीच में वो कोर्स आपका खत्म हो जाता है जितनी देर में आपने अपना हायर्स कर लिया। उस 6-7-8 महीने के जो कोर्स का क्या बेनिफिट है, इसके अंदर आपको लेवल 4 एंड लेवल 5 का डिप्लोमा करवाया जाता है, either in diploma in management, diploma in computer sciences, diploma in IT, diploma in social healthcare। ये वही diploma है जो बच्चे plus two के बाद बाहर करने के लिए जाते हैं 2 साल के लिए, right? ये वही diploma है जो हम यहाँ पे आपको 6 महीने में करवाते हैं। जब आप UPA के अंदर admission लेते हो आप automatically Aspire College Canada के student बन जाते हो, okay? So आप ये diploma खत्म करते हो UPA का, जब आपको आपके पेपर साथ साथ चल रहे हैं, ऑनलाइन सारा मॉड्यूल है, ऑनलाइन आपके क्विजेज होंगे, ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, प्रॉपर वीडियोग्राफी के साथ जब आप पेपर देते हो प्रॉपर टेक के ऊपर वीडियोग्राफी की जाती है एंड वो आपको वो बाहर भेजा जाता है, बाहर से चेकिंग होती है आपके पेपर की, उसके बेस के ऊपर आपको यूपीआई का सर्टिफिकेट इशू होगा, यूपीआई की इवेल्युएशन रिपोर्ट्स आएंगी, ठीक है, सारी मार्कशीट्स आएंगी, एस्पायर कॉलेज का डिप्लोमा आएगा आपको। सो एस्पायर कॉलेज कैनेडा में है, आपको कैनेडा कॉलेज का डिप्लोमा मिल गया 6 महीने लगाने के बाद, ये वही डिप्लोमा है जो 2 साल बच्चे बाहर करने के लिए जा रहे हैं, ये वही 2 साल हैं जिसके बच्चे $50,000 बाहर खर्चते हैं 2 साल के अंदर, वो $50,000 की जगह आपने यहाँ पे यूपीआई का वो 2 साल में से 6 महीने, 1.5 साल भी बच गया आपका, पेरेंट्स के $40,000 से ज्यादा बचते हैं, जो मेंटल टेंशन है वो अलग बचती है। जब आपने यहाँ पे ये डिप्लोमा कर लिया आपको इशू हो गया, आपकी जब उसके बाद वीजा की प्रोसेसिंग की फाइल लगाई जाती है उसमें एक आईलेट्स का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, आपके पास यूपीआई का सर्टिफिकेट होगा, एस्पायर कॉलेज का डिप्लोमा होगा और एक ऑफर लेटर हम मंगवा के देंगे, ये 6 महीने वहां के 2 साल के बराबर है। तो हम आपको कभी भी किसी कॉलेज में नहीं भेजते कैनेडा में, कैनेडा में सिर्फ आप यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हो, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, वो यूनिवर्सिटी जहां पर पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, ताकि आपको वो खत्म करने के बाद डिग्री अपनी वर्क परमिट मिल सके। सो हम वहां से ऑफर लेटर आपको मंगवा के देंगे जिसमें लिखा होगा कि आपने 2 साल के आपको क्रेडिट्स मिल गए हैं, आपने 3rd year के अंदर एंटर होना है, डिग्री बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर्स इन IT, बैचलर्स इन सोशल हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट, बैचलर्स इन टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, कोई भी बैचलर्स आप कर सकते हो, आप उसके 3rd year के अंदर एंटर होंगे। जस्ट सी के कितना बेनिफिट है आपको, 3rd year में आपने यहाँ पे एंटर हुए, 3rd and 4th year 2 साल लगाया, ठीक है। आप डिप्लोमा के लिए तो 1 साल की 18 से लेकर 24,000 फीस दे रहे हो, यहाँ पे आपकी डिग्री की फीस $15,000 के अंदर हम करवा के देते हैं, 15 से लेकर 18,000 की रेंज के अंदर होता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा एरिया।
सभी बच्चों को होता है कि जी हमने तो ब्रैम्पटन जाना है या सरी जाना है कनाडा में। आपको ये नहीं पता कि ब्रैम्पटन जाओगे या सरी जाओगे वहाँ पे 3-3 साल लगते हैं पीआर के लिए। हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में हम आपको भेजें जिन एरियाज के अंदर आपकी पीआर 6 महीने में हो जाती है। सो थर्ड एंड फोर्थ ईयर आपने लगाया डिग्री के लिए वहाँ पे, उसके बाद आपको 3 साल का उसी तरह वर्क परमिट मिला जिस तरह एक डिप्लोमा के बच्चे को मिलता है। 3 साल के वर्क परमिट के ऊपर आप 1 साल काम करते हो, उसके बाद आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाते हो कि जी मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब मैंने पीआर की फाइल लगानी। तो वो आपके पेपर्स देख के कहता है यस यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर परमानेंट रेजिडेंसी पीआर के लिए। क्यों? क्योंकि आपने डिग्री खत्म की है। डिग्री के जो पॉइंट्स बनते हैं आपको पता है पीआर पॉइंट सिस्टम पे होती है कनाडा में। सो डिग्री के जो पॉइंट्स बनते हैं दैट इज वैलिड फॉर अप्लाइंग फॉर पीआर, मगर वो डिप्लोमा के लिए नहीं बनते। ना तो डिग्री करने के बाद आपको कोई स्पॉन्सर ढूंढने की जरूरत है, ना आपको कोई $40,000 पे करने हैं वहाँ पे किसी को, ना आपको अप्रूवल करवानी है LMI। आपने डायरेक्टली डिग्री खत्म करने के बाद 1 साल का काम करके आपने पीआर अप्लाई कर देनी है और आपकी पीआर 6 मंथ्स के अंदर हो जाती है। सो अगर हम लगा के चलें कि एक बच्चा UPI के थ्रू एनरोल होता है January 2022 में हमारे पास, उसकी जो पीआर है वो 4 साल के अंदर 2026 के अंदर हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर एक बच्चा डिप्लोमा कोर्स के लिए January 2022 में बाहर सोचता है कि मैंने डिप्लोमे में जाना है और उसने आयल स्टार्ट किया और प्रोसेस स्टार्ट किया, उसकी पीआर 2030 से पहले किसी हालत में नहीं हो सकती। सो आप डिफरेंस देखो, 4 साल आपके बच रहे हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ डिप्लोमा मिलना था वहाँ डिग्री मिल रही है, पेरेंट्स के $40,000 बच रहे हैं, ठीक है, आपके 2 साल बच गए, जो पीआर के लिए आपने स्ट्रेस लेना था वो स्ट्रेस से आप निकले, पेरेंट्स की कहते हैं पेरेंट्स की जो हेडेक थी, जो बॉदरेशन पेरेंट्स को होनी थी, जो चिंता होनी थी कि हाँ जी हमारा बच्चा वहाँ पे गया हुआ है डिप्लोमा करने के लिए गया है अभी तक उसकी पीआर नहीं हुई, वो सारा भी सबसे हर एक चीज से आप बचते हैं, राइट। सो ये तो हो गए प्लस टू के बाद के कोर्सेस। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने के लिए जाते हैं। इंडिया में आपको पता है ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, मगर नॉर्थ अमेरिका जब हम कहते हैं उसके अंदर कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको सब कुछ आ जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में भी, यूके में भी, न्यूजीलैंड में भी, उनमें भी ग्रेजुएशन 4 साल की होती है। सो 1 साल का फर्क है, यहाँ पर ग्रेजुएशन करोगे 3 साल की है, बाहर है 1 साल की ज़्यादा 4 साल। सो जब आप ग्रेजुएशन के बाद UPI का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का Level 7 डिप्लोमा ज्वाइन करते हो, दैट एक्ट्स एज अ ब्रिजिंग कोर्स, ब्रिज कोर्स बन जाता है, वो आपके 3 साल की डिग्री को वैलिडेट करवाता है कनाडा में 4 साल के अंदर, फाइन। सो वो आप Level 7 डिप्लोमा करते हो, उतना ही टाइम लगता है जितना प्लस टू के बच्चे को Level 4 और 5 के लिए लगता है, ठीक है। Level 7 डिप्लोमा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जब आप खत्म कर लेते हो आपके वो 1 साल का गैप कवर हो जाता है। प्लस अगर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पे सोचता है कि मैंने मास्टर्स करने के लिए बाहर जाना है तो उसको GRE और GMAT देना पड़ता है MBA और मास्टर ऑफ मैनेजमेंट के लिए। वो GRE GMAT आपको UPI के कोर्स जब आपने ज्वाइन किया, UPI का डिप्लोमा इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किया, तो वो आपका वेव अप हो जाता है। आपको कोई GRE नहीं देनी, कोई GMAT नहीं देनी, आपका 1 साल का जो डिफरेंस है वो भी खत्म हो जाएगा, आप डायरेक्टली मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कनाडा में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप GRE GMAT देने के बाद कंपटीशन में बैठ के MBA करने के लिए बाहर जाते हो, आपकी जो सी फीस होती है वो 1 करोड़ होती है, दैट इज अ रफली आइडिया, 1 करोड़ के आसपास पड़ती है एक MBA। जब आप UPI के थ्रू जाते हो आपका GRE GMAT वेव अप हो गया, 1 साल आपका बच गया, देन आपकी जो कॉस्ट ऑफ मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर ऑफ मैनेजमेंट है रफली $28,000 to $34,000 होती है 2 साल की फीस। सो यू कैन वेल इमेजिन हाउ मच मनी यू आर सेविंग इन बोथ द सिचुएशंस, चाहे बच्चा प्लस टू के बाद आए चाहे बच्चा ग्रेजुएशन के बाद आए, हर सिचुएशन में आप स्टूडेंट विन विन सिचुएशन के अंदर है, फीस बच रही है पेरेंट्स की, साल बच रहे हैं, 4 साल की डिग्री 2 साल 6 महीने में कर रहे हो, ठीक है। जितनी देर में आपने आयस खत्म करना है उतनी देर में आपका UPI का डिप्लोमा खत्म हो जाएगा। जो डिप्लोमा बच्चे बाहर जा रहे हैं करने के लिए $50,000 देके, वो डिप्लोमा आपको यहीं पे मिल रहा है, राइट। और आप बाहर जब जाते हो आप डिग्री करने के लिए जाते हो। फिर कई बच्चों का कहते हैं, ये कंसर्न होता है कि जी हमने यहाँ पे नहीं पढ़ना, हमने तो बस सर हमें तो जहाज चढ़ा दो, हमने तो बस वहां पहुंचना है, पहुंच के वहां पे आपको ऐसे लगता है जैसे वहां तो एक हर किसी के पास एक पेड़ लगा हुआ है जहां से डॉलर तोड़ तोड़ के आप यूज करोगे और बाहर भेजोगे, ऐसा नहीं होगा। जो ग्राउंड रियलिटी में आपको बता रहा हूं
जल्दबाजी में जाना बड़ा इजी है, वहां जाके जो सफर करना पड़ता है उसकी आपको इमेजिनेशन भी नहीं है। सिर्फ आप ही नहीं सफर करते, आपके साथ आपकी फैमिली भी सफर करती है, पेरेंट्स भी सफर करते हैं। सो और मोरओवर आप कहते हो कि हमने यहाँ पे नहीं पढ़ना, हम तो आपको यहाँ पे कह ही नहीं रहे कि पढ़ो, पर आपको आईलेट्स तो करना पड़ेगा ना, आईलेट्स तो एक मैंडेटरी चीज है, बिना आईलेट्स के तो आप जाने से रहे बाहर। सो जितनी देर में आपने आईलेट्स करना है उतनी देर में हमारे टीचर्स ने आपको मॉड्यूल्स करवा देने हैं 4, 5 और 7। सो ना तो आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ, प्लस इन मॉड्यूल्स को करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जब एक रॉ स्टूडेंट डायरेक्टली आईलेट्स करके बाहर जाता है, 90% बच्चे जो होते हैं डिप्लोमे के इवन सब्जेक्ट्स के अंदर, उनकी CGPA 4 में से 2.5 के आसपास आती है, ठीक है, बाद में उसी के करके उनको जॉब नहीं मिलती। जब प्रोफाइल आगे अपना रिज्यूमे रखते हैं, इतनी CGPA आई है, कोई जॉब नहीं देता, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे हमारे पास UPA के कोर्स करते हो, उससे आप एक तरह से तैयार हो रहे हो बाहर जाने के लिए। आपको पता चल रहा है कि बाहर के कॉलेजेस में, बाहर की यूनिवर्सिटीज में कैसे पढ़ाई कराई जाती है, क्या क्या उसके अंदर कोर्स होते हैं, किस तरह हमने आगे जाके अपनी लाइफ बनानी है, ठीक है। जल्दबाजी में काम करना बड़ा आसान है, मगर कहावत है जितना गुड़ डालोगे मिठास उतनी आएगी, जितनी मेहनत करोगे उतनी ही कहते हैं लाइफ बेटर बनेगी। सो अगर यहाँ पे आपने जितनी देर में आयल्स करना है उतनी देर में अगर आपको डिप्लोमा भी मिल रहा है, प्लस आप बाहर डिग्री करने के लिए जा रहे हो, तो इसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं है। फिर कई बच्चे कहते हैं कि जी एक क्वेश्चन होता है बच्चों का भी और पेरेंट्स का भी, आईलेट्स देखो जो बच्चा सोचता है कि मैंने बाहर जाना है उसको पता है कि आईलेट्स मैंडेटरी है, बिना आईलेट्स के आप नहीं जा सकते। प्लस टू के बाद 6 बैंड रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन के बाद 6.5 बैंड रिक्वायर्ड है, उसके बिना कभी भी आपको वीजा नहीं मिलेगा। मार्केट में जो कंसल्टेंट्स हैं वो आपको कह देते हैं 5 के ऊपर आ जाएगा जी, 5.5 पे आ जाएगा। ऑफर लेटर मिलने और वीजा मिलने में बड़ा फर्क होता है, ठीक है। मैं पिछले 25 साल से यही कर रहा हूँ और मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मेरे कॉलेजेस हैं, सिंगापुर में है, US के अंदर है, इंडिया के अंदर है, कनाडा में है, मैंने हर जगह के इमिग्रेशन सिस्टम के वजह से निकला हुआ हूँ। और ऑफर लेटर मंगवाना, मैं आप अगर वो कहते हैं 5 में, मैं तो आपको बगैर आईलेट्स के भी ऑफर लेटर मंगवा देता हूँ। हमारा कॉलेज के साथ ऐसा भी टाइप है, वो कहते हैं आपके स्टूडेंट ने नहीं भी आईलेट्स किया कोई बात नहीं, हम ऑफर लेटर दे देंगे, पर ऑफर लेटर दे देंगे वीजा नहीं मिलेगा। वीजा तभी मिलेगा जब आईलेट्स आपका क्लियर होगा, क्योंकि वीजा ऑफिसर को ये लगना चाहिए कि ये बच्चे के जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं वो अप टू द मार्क हैं कनाडा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, ठीक है। सो इसलिए आपको आईलेट्स मैंडेट भी है, करना ही पड़ता है। फिर बच्चे कहते हैं जी हमारा तो 6 बैंड नीचे आ सकता, हम फिर क्या करें, ठीक है मत जाओ कनाडा, UK चले जाओ, UK में 5 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पर अल्टीमेटली आईलेट्स तो देना ही पड़ेगा, जो सोच रहे हैं कि मैंने बाहर जाना है उसको ये पता होगा कि मुझे आईलेट्स देना ही पड़ेगा, चाहे बैंड 5 आए, 5.5 आए, 6, वो कंट्रीज डिफर हो जाएंगी। फिर उसके बाद बच्चे पूछते हैं जी UK में मैं जाऊँगा, UK में तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके माइंड में बाद में आएंगे, मैं उसके आंसर आपको भी बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले डिफरेंट सेमिनार्स के अंदर हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे कहते हैं जी UK जाएंगे, कनाडा में तो 1 साल एक्सपीरियंस करके जी क्या कहते हैं हमारी PR हो जाती है, UK में कैसे पक्के होएंगे, UK में PR नहीं होती, UK में भी PR होती है, उसको लीव टू रिमेन कहते हैं LTR। UK के अंदर जब आप स्टडी अपनी खत्म करते हो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, उसके बाद 3 साल का वर्क परमिट आपका एक्सटेंड होता है, थोड़ा 5 साल के वर्क परमिट के बाद आप LTR अप्लाई करते हो जिसको लीव टू रिमेन कहते हैं। सो दैट LTR इज सेम एज PR ऑफ कनाडा एंड ग्रीन कार्ड ऑफ US, तो इस तरह आप कनाडा में पक्के होते हैं। बच्चे पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया में कैसे जी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पहले 2 साल का वर्क परमिट इशू होगा, उसके बाद 3 साल का, 5 साल के वर्क परमिट के बाद आप अप्लाई करते हो ऑस्ट्रेलियन PR के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम जी यहाँ से आईलेट्स करके चले गए बाहर, जब हमारी स्टडी खत्म हो गई, मैं एक चीज शायद आपको स्किप कर गया, बताना भूल गया, जब आप स्टडी करते हो स्टडी के दौरान आपको हर हफ्ते 20 घंटे काम करने को मिलते हैं, 20 आवर्स, उन 20 घंटों के अंदर आपके जितने एक्सपेंसेस हैं रहने खाने पीने के वो निकल जाते हैं। बीच में मैंने एक चीज बताई थी कि बच्चे कहते हैं कि हमने तो जी ब्रैम्पटन में जाना है, हमने सरी में जाना है, वहां पे एक तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था कि फीस ज्यादा होती है, क्योंकि ये वो पॉपुलर सिटीज हैं जहां पर हर बंदा जाना चाहता है, उनको ये नहीं पता PR के लिए, बाकी जगह भी अगर 6 से 9 महीने लगते हैं, यहाँ पे 2.5 से 3 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो प्लस जो आपके लिविंग एक्सपेंसिस हैं, ओंटारियो एक प्रोविंस है उसके अंदर ब्रैम्पटन सिटी है, टोरंटो भी उसके अंदर सिटी है, उसी तरह ब्रिटिश कोलंबिया एक प्रोविंस है जिसके अंदर सरी एक सिटी है, वैंकूवर एक सिटी है।
यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस है, एक बच्चा एक महीने का $1500 स्पेंड करता है रहने खाने पीने का। मगर अगर हम एग्जांपल लें, हम आपको करेंडर यूनिवर्सिटी न्यू ब्रंसविक में भेजते हैं, न्यू ब्रंसविक क्यूबिक से नेक्स्ट क्विंस है, पहले ओंटारियो है, ओंटारियो के बाद क्यूबिक है, क्यूबिक के बाद न्यू ब्रंसविक। अगर हम आपको न्यू ब्रंसविक में भेजते हैं करेंडर यूनिवर्सिटी 1500 और 600 के अंदर, प्लस न्यू ब्रंसविक के अंदर 6 महीने में आपकी पीआर होती है और ओंटारियो में आपकी 2 से 2.5 साल के अंदर पीआर होती है। ओके, गॉट माय पॉइंट। इसी तरह हम उन प्रोविंसेस में हमारी प्रेफरेंस होती है, हम आपको ऑप्शंस देते हैं कि आपको रिकमेंडेड है कि आप न्यू ब्रंसविक में जाओ, आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में जाओ, मैनिटोबा में जाओ, जहां पर पीआर के लिए कम टाइम लगता है, बाकी आपकी ऑप्शन है। हम ये कहते हैं कि ग्रांटेड हम आपको 18 महीने से लेकर 24 महीने के क्रेडिट्स दिलवाते हैं, 1.5 साल से लेकर 2 साल। हम आपको लिस्ट देंगे यूनिवर्सिटीज की, जो यूनिवर्सिटीज आपके यहाँ के 6 महीने के डिप्लोमे को 2 साल के बराबर के क्रेडिट्स देती है, आपकी मर्जी है। कई बार बच्चे कहते हैं नहीं जी मैंने करेंडर में नहीं जाना, मैंने तो एल्गोमा यूनिवर्सिटी में जाना है जो ओंटारियो में। एल्गोमा आपको 20 महीने के क्रेडिट देगी, करेंडर आपको 24 के देगी। एल्गोमा की फीस है $24,000 साल की, करेंडर की है $17,000। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है कि आपने कहाँ जाना है। हम आपको सजेस्ट करते रहेंगे और आपको टोटल असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट चीज, जब आप यूपीए के साथ जुड़ जाते हो, यूपीए के स्टूडेंट बन जाते हो, यूपीए में एनरोल हो जाते हो, यू विल ऑल्सो गेट बिकम एस्पायर कॉलेज स्टूडेंट। सो वी प्रोवाइड यू पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज। द मोमेंट यू रीच आउटसाइड इंडिया, हम आपको आपकी पीआर तक कॉन्टिन्यूस असिस्टेंस देते हैं हर एक चीज में, चाहे वो वर्क परमिट है, चाहे आपके कॉलेज की असाइनमेंट्स हैं, चाहे आपकी पीआर की फाइल है, आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाना है, कोई इमिग्रेशन रिलेटेड इशू है आपका, ठीक है, हर चीज के अंदर आपको असिस्टेंस मिलती है। दैट इज कॉल्ड पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज। आप जब यहाँ से नए जाते हो, आपको एयरपोर्ट से पिक करवा के आपको सेटल डाउन करना, आपका सिम नंबर लेके देना, आपका बैंक अकाउंट खोलना, फोन का फोन कनेक्शन लेके देना, ये हर चीज आपको, ये शायद यहाँ पे बैठ के लगता है ये तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, मगर जब एक बच्चा एक नए कंट्री के अंदर जाता है जहाँ पे उसका कोई नहीं जानता होता, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। सो दीज आर ऑल कॉल्ड पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज व्हाट वी प्रोवाइड। सो दिस वाज अ स्मॉल जस्ट कि हम यूपीआई के अंदर क्या करते हैं और एक नॉर्मल बच्चा जो डिप्लोमा करता है उसके अंदर वो क्या करता है। मैंने आपको बता दिया, किसी भी कोर्स में आप जाओ, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू गो फॉर पीजीडब्ल्यूपी अप्रूव्ड प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्रूव्ड प्रोग्राम, उसके बिना आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। और एक और चीज मैं बताऊं, कई बार क्या होता है कि जब आप बाहर कंसल्टेंट्स के पास जाते हो, वो आपको 17 महीने के कोर्स के अंदर रजिस्टर कर देते हैं, कहते हैं डिप्लोमा आपका 16 महीने में हो जाएगा, 17 महीने में हो जाएगा। आपको ये नहीं कोई बताता कि 18 महीने से कम अगर कोई भी कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेते हो बाहर, तो आपको सिर्फ 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, 1 से 1.5 साल। जब आप 18 महीने से ऊपर के किसी कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हो, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है। ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपको मार्केट में बैठा कंसल्टेंट कभी नहीं बताएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। Have you understood everything? Yes, sir. अब वो तभी मानूंगा मैं कि आपको समझ आया जब आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है ना? समझ तो तभी आया है, अगर क्वेश्चन पूछोगे तब पता चलेगा कि क्या आपकी क्वेरी है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, बताओ। हम ये नहीं कहते कि आप कनाडा जाओ, कहीं पे भी जा सकते हो, कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, सिंगापुर, हर जगह पे यूनिवर्सिटीज यूपीआई के करिकुलम को एक्रेडिट करती हैं और आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। सर यूपीआई के साथ आईलेट्स भी यूपीआई तो एक कोर्स है डिप्लोमा, आईलेट्स मैंडेटरी है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से या कंट्रीज की तरफ से, जो आपको देना पड़ेगा ये प्रूव करने के लिए कि आपकी इंग्लिश उनकी कंट्री के बेंचमार्क के अकॉर्डिंग इक्वल है। तो ये फॉरेन की इशू करेगी ना, ये यूपीआई की वहां की डिग्री है। हां जी हां, यूपीए का आपको बाहर से ही सिलेक्टेड आएगा, यूपीए कनाडा में ही है रजिस्टर्ड, एस्पायर कॉलेज भी कनाडा में ही है, दोनों का डिप्लोमा आपको कनाडा से ही आएगा, लोकल नहीं है, इंडिया का नहीं। हां जी, पीटी भी कर सकते हैं, वो जो 6 बैंड के अराउंड है, जैसे 60 का स्कोर चाहिए होता है तो वो उतना स्कोर उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज पीटी का स्कोर भी अप्लीकेबल है।
ना, वो तो आईलेट्स के अंदर भी होगा, सिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो सिक्स पे बेंच मार्क ही मेंटेन होगा। उसमें स्कोर होता है ना 56 से लेके 60 की रेंज होती है। हाँ, तो वो जो रेंज उसकी इक्वलेंसी हो जाती है उनकी, तो जो रेंज है उसी रेंज के अंदर बच्चे का स्कोर होना चाहिए। हाँ जी, कोई भी लिक्विड सर, कोई सा कोई भी गैप के सर, ठीक है ना सर। इंडिया लेवल की यूपीएम की रेंज जैसे आपके सब्जेक्ट दे, जैसे आर्ट्स का कोर्स के बच्चे हैं वो बीबीए कर सकते हैं, बैचलर्स इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए कंप्यूटर्स भी है, आईटी भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, अगर वो बीबीए करना चाहते हैं देखें दो बार बीबीए हो, ठीक है। और अगर कोई मेडिकल का बच्चा है वो सोशल हेल्थ केयर मैनेजमेंट करना चाहते हैं बिकॉज वो मेडिकल के रिलेटेड है, सोशल हेल्थ केयर। हाँ जी, गैप डिपेंड करता है कि बच्चे ने उस दौरान किया क्या है, मतलब या अगर तो जॉब किया तो इट इज़ ओके, 5 साल का गैप एक्सेप्टेबल है अगर जॉब की, ठीक है। अगर उसने जॉब भी नहीं की, उसने एजुकेशन भी नहीं की, तो हम कोशिश करते हैं कि उसका 2 साल का गैप उससे ज़्यादा ना हो। अगर उसने मास्टर डिग्री भी यहाँ पे की हुई है और फिर भी वो कहता है कि मैंने बाहर जाना है, तो हम ये चेक करेंगे कि मास्टर डिग्री के अंदर उसके सब्जेक्ट्स क्या थे। उन सब्जेक्ट्स के अलावा जैसे एक बंदे ने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से की, अब वो कहता है मैंने बाहर जाना है, तो ऑब्वियसली वीजा ऑफिसर जब उसकी फाइल देखेगा वो कहेगा कि यार इसने ऑलरेडी एमबीए की है, बाहर जाना क्यों चाहता है। तो हम बाहर उसको उस क्या कहते हैं कोर्स में एडमिशन दिलाएंगे, जैसे एनालिटिक्स हो, एमबीए वाला बंदा एनालिटिक्स की डिग्री ले सकता है, तो एनालिटिक्स की जब हम डिग्री में उसका एडमिशन दिलाते हैं तो उसकी वो रेलेवेंस बन जाती है एसओपी के अंदर, उस बेस के ऊपर उसका वीजा लगेगा। एमबीए वाले को क्रेडिट का लगता है, वो जब मास्टर्स के लिए जैसे मैंने बताया चाहे ग्रेजुएशन के बाद जाना है या मास्टर्स के बाद, जब बाहर मास्टर्स करने के लिए जाना है तो वो जो जीआरई जीमैट है वो उसका वीवा होगा। अगर उसने ग्रेजुएशन किया तो वो 1 साल का जो ब्रिज है वो उसका वीवा होगा, वो वेस्ट नहीं होगा उसका। हाँ जी हाँ, वो आते हैं बच्चे तो वो फिर 3 साल का उसका गैप बन जाता है, वो गैप के अंदर या तो हमें उसको दिखाना पड़ेगा कि बच्चे ने कुछ किया है, अदरवाइज बच्चा 3 साल कहाँ रहा, क्या किया उसने, ये तो है नहीं कि वीजा वीजा देखिएगा, एसओपी के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो उसका हमें कुछ ना कुछ तो शो करना ही पड़ेगा कि बच्चे ने जॉब की या उसने कोई पढ़ाई की कुछ भी की। हाँ जी, कुछ बच्चे 4 महीने में भी खत्म कर लेते हैं, कुछ बच्चे, वो डिपेंड करता है कि बच्चों का कितना इंटरेस्ट है और टीचर कितनी स्पीड के साथ उसको करवाते हैं। मॉड्यूल्स हैं, इसमें मॉड्यूल्स हैं, हर एक एक मॉड्यूल के जैसे लेवल 4 के 8 यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर के बाद एक क्विज होगी और हर एक यूनिट के बाद एक पेपर होगा, तो वो ऑनलाइन ही सारा कुछ होगा। आप अपने ही सेंटर में बैठा के करेंगे, आपके ही टीचर उनको गाइड भी करेंगे, उनकी वीडियोग्राफी करके पेपर करते हुए वो भेजेंगे जब बाहर, तो उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होकर बाहर से सर। बच्चा घर से ही पढ़ रहा है, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड देना होगा। हाँ जी, तो बच्चा घर से ही पढ़ रहा है, वो एग्जामिनेशन घर से ही देते। हाँ जी, वो घर से ही, उसको लाइव कैप्चर करना पड़ेगा, वो लाइव वो प्रॉपर नेट के ऊपर कैप्चर हो जाता है। बच्चा 6 महीने में नहीं क्लियर कर पाता तो एक्स्ट्रा टाइम दिया। हाँ जी हाँ, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम 4 महीने से लेकर 18 महीने तक कभी भी वो खत्म कर सकते हैं, बच्चे की कहते हैं कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस हमारे अपने टीचर्स जो उसको कंटिन्यूसली गाइड करते हैं हर एक स्टेप के ऊपर, जब वो लॉगिन जिस तरह बच्चे को लॉगिन आईडी इशू होता है उसी तरह टीचर को भी लॉगिन आईडी इशू, तो वो भी टीचर भी देखता है। जब एक बच्चा लॉगिन आईडी लॉगिन करके सॉफ्टवेयर को ओपन करता है तो हमें कनाडा में बैठे पता चल रहा होता है कि इस बच्चे ने इस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा चैप्टर किया है, आज कितना किया है, उसने अगर क्विज किया कितनी बार उस क्विज को रीटेक लिया है, वो सब कुछ हमें सॉफ्टवेयर के अंदर पता चलता है। $40,000 के आसपास का फर्क पड़ता है, रफली $40,000 इन टोटल $40,000 का फर्क पड़ता है, एक बच्चा जो डिप्लोमा करने के लिए गया और एक बच्चा जो डिग्री करने के लिए।
और बच्चे के साथ भी बचती है। एनी क्वेश्चंस और यहाँ पर जो स्टडी करते हैं जो प्लस टू के बाद बच्चा आता है उसकी अगर वो वन टाइम में पे करता है हमारे दो वेज है जिस तरह वो पे कर सकता है अगर वन टाइम में पे करता है तो दैट इज $6,500 अगर उसने इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है दैट विल बी 8,000 वो थ्री इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है फॉर 6 मंथ्स इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ द टाइम कि कितनी देर में वो खत्म कर रहा है चाहे वो 4 महीने में कर ले चाहे 12 महीने में कर ले उस पूरे मॉड्यूल का उस पूरे कोर्स का उस पूरे डिप्लोमे की फीस मैं बता रहा हूँ जिस तरह प्लस टू वाले बच्चे की इतनी है उसी तरह जिसने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने के लिए जाना है उसकी भी अगर उसने वन टाइम में देनी है तो 7,500 है 1,000 का फर्क है अगर उसने इंस्टॉलमेंट्स में देना है देन 3-3 की 3 इंस्टॉलमेंट्स 9,000 जो यहाँ पे फीस है वो यूएस डॉलर्स के अंदर है जो बाहर की फीस है वो जिस कंट्री में जाएगा यूके में जाएगा तो पाउंड में होगी कनाडा में जाएगा कैनेडियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग है UPI all around the world around 4,000 universities इसको accredited करती हैं और जहाँ पर कहते हैं इसके certificate के base के ऊपर credits मिलते हैं। Case one का क्या है कि बच्चा इसके जो admission ले लेता है बच्चा उन्होंने की minimum base कितनी जाती है अगर एक ही diploma में admission लेते हैं तो ये आपको मैंने UPI के ही diploma की fees बताई जब UPI में बच्चा admission लेगा तो वो UPI के साथ साथ Aspire College Canada का भी student बन जाता है बिकॉज ये पाथवे है दोनों का तो जब एस्पायर कॉलेज जो आपको डिप्लोमा बच्चे को आएगा वो यूपीए का भी आएगा और एस्पायर कॉलेज का भी आएगा तो बच्चे के पास वही डिप्लोमा जो बच्चा प्लस टू के बाद दो साल बाहर जाके लगा रहा है एक साल की $20,000 फीस भी दे रहा है $40,000 उसने वो भी दिए और प्लस वहाँ पे रहने खाने पीने का खर्चा है देन एजेंट की फीस भी दे रहा है वो सारा वेव ऑफ करके यहाँ पे जस्ट उसने वो 4 से लेके 6 या 9 महीने जितने भी लगाने हैं उस दौरान वो भी सेम डिप्लोमा मिलेगा उसको एस्पायर कॉलेज के लिए वही 2 साल का डिप्लोमा वो यहाँ पे मिलेगा इन दिस मच फीस इसके बीच में स्टडी करने के लिए फैमिली के लिए भी इंक्वायरी कर लिया वो हमारे कहते टीचर्स यूके के अंदर भी बैठे हैं कनाडा में भी हैं और इंडिया में भी सो कहीं जहाँ का भी बच्चा होगा हम उसी को उसी तरह असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उसको वीडियो ट्यूटोरियल देते हैं वीडियो लेक्चर्स भी देते हैं और जूम के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर उसको बताते हैं कि कैसे कैसे गाइड करते हैं कैसे कैसे करना है तो कोर्स सेलेक्ट करते वक्त हमने कंट्री भी सेलेक्ट करनी है किस कंट्री के लिए हमें केस बच्चे को पहले नहीं पता होता कि मैंने किस कंट्री में जाना है मगर फिर भी हम उससे पूछते हैं कि कहाँ की प्रेफरेंस है उसकी कोर्स कोई मर्जी ले वो हर एक कंट्री के अंदर एप्लीकेबल है पर वो कोर्स के बाद भी बच्चा डिसाइड कर सकता है कि मैंने किस कंट्री में नहीं नॉट रिजल्ट पे उसके आईलेट्स के स्कोर के बारे आईलेट्स के स्कोर अगर बच्चे का आई 5 बैंड रहा है फिर तो वो यूके के लिए एलिजिबल है अगर बच्चा 6 बैंड ले रहा है सबके अंदर फिर वो कनाडा के लिए भी है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इनमें से भी जो 90% कनाडा के लिए करते हैं क्योंकि रीजन नहीं पीआर सबसे जल्दी कनाडा में मिलती है क्योंकि कनाडा ही एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ एक साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद डिग्री वाला बच्चे को पीआर मिल जाती है 6 से 9 महीने से और कोई कंट्री नहीं पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया में 5 साल का चाहिए वर्क परमिट न्यूजीलैंड में भी वर्क परमिट उतनी देर का चाहिए देन यूके के अंदर भी 5 साल और यूएस के अंदर हमारा टाइप है कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ बट यूएस का जो वीज़ा है आपको पता है बहुत मुश्किल है यूएस का वीज़ा मिल जाएगा स्टूडेंट वीज़ा पर उसके बाद उसका H1 होना इज वेरी डिफिकल्ट तो हम खुद बच्चे को कहते हैं कि ये उसकी रिस्क के ऊपर है अगर वो H1 नहीं होता सो इट इज बेटर के कहते हैं कि वो यूएस जाना चाहता है तो यूएस का जो बेस्ट राउट होता है वो थ्रू कनाडा है एक और चीज़ मैं आपको बताऊं शायद आपको पता नहीं होगा जब आपको आप कनाडा में स्टूडेंट बन जाते हो उसके बाद आपने डिग्री खत्म की आपने कनाडा की पीआर ले ली कनाडा की पीआर मिलने के बाद 3 साल आपने कनाडा में रहना है मतलब 3 साल का आपका स्टे होगा कनाडा में तो आपको सिटीजन बना देंगे ठीक है आप कनेडियन सिटीजन जिस दिन बन गए आप यूएस में जाके काम कर सकते हैं एक T1 वीज़ा होता है यूएस में कैनेडियन सिटीजन्स को जो दिया जाता है एक T1 वीज़ा होता है ठीक है जो T1 और E1 वीज़ा है ये 4 से 5 साल यूएस में काम करने के बाद उसको EB1A में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे आपको यूएस का ग्रीन कार्ड मिल जाता है जितने भी लोग यूएस के अंदर इस टाइम रह रहे हैं इंडियंस more than 80% इंडियंस वाया कैनेडा राउट के गए अदरवाइज यूएस का ग्रीन कार्ड मिलना बहुत मुश्किल है
आप पे करके भी ले सकते हो यूएस का ग्रीन कार्ड, आजकल उनका रेट 1 मिलियन 10 लाख डॉलर, सो दैट इज दैट कम्स टू अराउंड 7.5 करोड़ या 8 करोड़। तो वो राउट कोई नहीं, वो ईवी 5 कैटेगरी है। सो चीपेस्ट और बेस्ट ऑप्शन जो यूएस किसी का मन होता है ना, मैंने तो यूएस में ही जाके रहना है, ठीक है, तो वो कैनेडा इज द राउट फॉर दिस। डिप्लोमा तो आपका हो गया, वो तो आपका ऑनलाइन डिप्लोमा हो गया और आपको एस्पायर कॉलेज कनाडा का सर्टिफिकेट आ गया, पर वर्क वीजा आपको तभी मिलता है जब आप स्टूडेंट वीजा के ऊपर वहां पे रहते हो। द मोमेंट यू लैंड इन कनाडा विद अ स्टूडेंट वीजा, आपको एयरपोर्ट के ऊपर ही उन्होंने 20 आवर्स पर वीक का वर्क परमिट इशू कर देना, उसी टाइम आधे घंटे में डिप्लोमा के बाद इशू हो सकता है। हाँ, और आपने इधर सिन नंबर बोला था, व्हाट इज दैट? वो सिन नंबर भी आपको एयरपोर्ट पे मिल जाता है। सिन नंबर होता है इनकम टैक्स नंबर कहते हैं उसको, जैसे सोशल इंश्योरेंस नंबर हम कह देते हैं, वो इसकी फुल फॉर्म ये है, सोशल इंश्योरेंस नंबर। ये एक ही बार इशू होता है, चाहे आप अमेरिका में हो चाहे कनाडा में, एक बंदे को लाइफ टाइम में एक ही बार इशू होगा, ठीक है, तो वो उसके साथ ही आपकी सारी लाइफ वही सिन नंबर चलता है। यूएस के अंदर एक बार होता है, कनाडा में अगर आप कई बार होता है, डिफरेंट कंट्रीज से लोग डायरेक्टली वर्क परमिट पे जाते हैं, तो उनका सिन नंबर की सीरीज अलग होती है, जब वो पीआर हो जाते हैं फिर उनकी सीरीज बदल जाती है। तो ये सिन नंबर आपके डिनोट करते हैं आपके इनकम टैक्सेस को, आपकी फुल आइडेंटिटी जो है वो आपके सिन नंबर के साथ अटैच होती है। पहले होता था कि कनाडा में भी जब स्टूडेंट वीजा लगना है तो सातवीं स्पाउस की फाइल लगा देते, अब नहीं बोलो, अब मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम है और उसकी अप्रूवल में भी 6 महीने और लगते हैं, मगर यूके के लिए आप साथ में लगा सकते हो स्पाउस की, स्पाउस की भी और अगर कोई बच्चा है बच्चे के भी साथ में। श्योरिटी है सर? देखो वीजा मिलना ना मिलना तो वीजा ऑफिसर के हाथ में और परमात्मा के हाथ में, हम उस चीज के लिए गारंटी कमिट नहीं करते, मगर आज तक हमारे यूपीआई के स्टूडेंट का कभी वीजा रिफ्यूज नहीं, पिछले इतने सालों में कभी यूपीआई के किसी स्टूडेंट का वीजा रिफ्यूज नहीं हुआ। क्यों? उसका रीजन है, वीजा जब भी मिलता है आपके फाइल की वेटेज के ऊपर मिलता है, जब आपकी फाइल की वेटेज इतनी है जिसमें वीजा ऑफिसर ये देख रहा है कि इस बच्चे ने अपनी जो डिग्री कंप्लीट करनी है उसकी हाफ डिग्री इंडिया में खत्म कर चुका है, वो तो जस्ट बाहर जा रहा है अपनी डिग्री फिनिश करने के लिए, और डिग्री फिनिश करके एक तरफ डिप्लोमे वाला एक तरफ डिग्री फिनिश करेगा, ऑब्वियसली वीजा ऑफिसर डिग्री वाले को ज्यादा वैल्यू देगा, क्योंकि दैट चाइल्ड दैट स्टूडेंट विल बी अ एसेट फॉर दैट कंट्री, चाहे वो यूके है चाहे कनाडा चाहे ऑस्ट्रेलिया। तो उसके लिए सर आईएलटीएस वगैरह मैंडेटरी है? यूके के अंदर अभी नहीं, उसको वर्क परमिट मिलेगा ओपन, कनाडा में भी ओपन वर्क परमिट मिलता है, कनाडा में भी मैंडेटरी नहीं है स्पाउस को। एक और आईएलटीएस से मुझे मेरे से क्वेश्चन पूछा था पीछे से एक सेमिनार में कि जब आप यहाँ से स्टूडेंट वीजा में वहाँ चले गए, जब आपका डिग्री खत्म हो गई, आपको वर्क परमिट मिल गया, आपने एक साल का काम भी कर लिया, आपने डिग्री के बाद पीआर की फाइल लगा ली, तो आपके मन में क्वेश्चन होता है कि क्या हमें दोबारा से आईएलटीएस देना पड़ेगा? कुछ प्रोविंसेस में वो आईएलटीएस देना पड़ता है, जैसे ओंटारियो है, ब्रिटिश कोलंबिया, उन प्रोविंसेस में आईएलटीएस आपको दोबारा देना पड़ेगा, पर न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, लैब्राडोर, न्यूफाउंडलैंड, मैनिटोबा, सस्कैचुअन, इनमें आपको नहीं देना पड़ेगा। तो कनाडा के अंदर जो पीआर होती है वो फेडरल होती है कंट्री वाइड, मगर जो रूल्स होते हैं जिस प्रोविंस में आप, प्रोविंस मतलब जैसे यहाँ पे स्टेट है पंजाब हरियाणा, वैसे वहाँ प्रोविंस है, तो जिस प्रोविंस में आप अप्लाई करते हो हर एक प्रोविंस के डिफरेंट रूल्स हैं। जैसे ओंटारियो के अंदर देना पड़ेगा, ओंटारियो के बाद क्यूबिक आता है, क्यूबिक में देना पड़ता है, मगर उसके बाद न्यू ब्रंसविक है वहाँ पे नहीं देना पड़ता फॉर पीआर। तो इस चीज़ के ऊपर कई बार हमारे से कई आर्ग्यू करते नहीं जी वहाँ पे तो पीआर के लिए जरूर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। डुअल सिटीजनशिप है ना? डुअल सिटीजनशिप है ना? नहीं, सिटीजनशिप और पीआर डिफरेंट है।
पीआर तो आपको फेडरल की मिलेगी कि आपकी एक बार पीआर हो गई न्यू ब्रंसविक में, सपोज करो उसके बाद पूरा कनाडा ओपन है, आप जहाँ मर्जी जाओ, कोई आपके पास मतलब कंपल्शन नहीं है कि आपने वहीं पे रहना है। 3 साल रहने के बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगी। जब कनाडा की सिटीजनशिप मिलेगी आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया अलाउ नहीं करता ड्यूल सिटीजनशिप। यहाँ की छोड़ोगे तब कनाडा की मिलेगी, मगर जब कनाडा से आप यूएसए चले जाते हो वहाँ पे भी कुछ साल रह के आपको ग्रीन कार्ड मिल गया और सिटीजनशिप मिलती है, तो आप कनाडा और यूएस की दोनों रख सकते हो, उसको ड्यूल सिटीजनशिप। लेकिन सर यूके के लिए तो आईएलटीएस नहीं करना पड़ता? मैडम करना पड़ता है, आईडीपी का एग्जाम होता है मैडम, वो भी डिफरेंट है ना, चाहे वो पीटी ले लो, चाहे आप आईएलटीएस ले लो, चाहे आईडीपी का ले लो, है तो वो इंग्लिश बेंचमार्क एग्जाम ना। तो मैं वही कह रहा हूँ आईएलटीएस, हम उसको आईएलटीएस ही कह देते हैं, ज्यादा बच्चे आईएलटीएस ही समझते हैं। सर एक्चुअली दो मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग। हाँ जी, तो यूके ने वही रिलैक्सेशन दी हुई है, अगर आप आईएलटीएस भी करोगे उसके अंदर तो 5 मिनट वाले का भी लगते हैं आ जाता है। हमारा एक डायरेक्ट टाइप है एंजेलो रस्किन यूनिवर्सिटी के साथ, वहाँ पे बगैर आईएलटीएस बगैर पीटी बगैर आईडीपी के भी आप जा सकते हो। हमारा यूटीए का मॉड्यूल करते हो, वहाँ से ऑफर लेटर आएगी और उसके अंदर लिखा होगा ये कि दिस स्टूडेंट डजंट नीड एनी इंग्लिश बेंचमार्क एग्जामिनेशन, रीजन बीइंग बिकॉज दिस स्टूडेंट हैज क्लियर्ड यूपीए एग्जामिनेशन, सो हिज स्टैंडर्ड्स ऑफ इंग्लिश आर अप टू द मार्क एज कम्पेयर टू द यूके स्टैंडर्ड्स, सो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती कोई भी पेपर देने की, वो डायरेक्ट एंट्री है उस यूनिवर्सिटी। और एनीथिंग एल्स, और कोई क्वेश्चन? जैसे किसी का बिजनेस हो यहाँ पर और 10 साल का स्टडी गैप हो सर मिनिमम, तो सर वो यूएसए के लिए अप्लाई करना हो, तो उसके लिए है ये यूपीआई के थ्रू हो सकता है? नहीं, यूएस के लिए तो मैडम देखो यूपीआई स्टूडेंट वीजा प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट वीजा स्टूडेंट का केसेस के अंदर हम यूपीआई का करिकुलम करवाते हैं बच्चे को, वो स्टडी करता है। जो आप बात कर रहे हो वो बिजनेस वीजा की बात कर रहे हो? नहीं नहीं सर, जैसे यहाँ पर बिजनेस है वहाँ पे अगर स्टडी के बेस पे भी जाना हो यूएसए, मतलब इतना स्टडी अच्छा क्या अच्छा कहने गैप है इतना 10 साल मैडम, हमें गैप वो सर आप कह रहे थे जॉब के उस पे या वैसे मैडम, वो गैप हमें शो करना पड़ेगा, लेकिन हम बिजनेस और सर हां वो उसमें शो करना पड़ेगा ना, एक्सपीरियंस तो लगाओगे आप जो आपने उस 10 साल के बिजनेस से पहले क्वालिफिकेशन ली है, उस क्वालिफिकेशन के रेलेवेंट ही आप पहले तो कोर्स चूज करोगे, और प्लस आप उसमें लिखोगे अपने एसओपी में कि क्यों आप 10 साल काम करने के बाद अब आप बाहर जाना चाहते हो, वो सारा कुछ एसओपी के अंदर डिटेल में आ जाता है। तो मगर हमें उन 10 साल का एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा कि मैंने ये कुछ किया, ये नहीं बंदा कह सकता कि जी मैं खाली घूमता रहा, उसको बताना पड़ेगा मैंने 2 साल ये बिजनेस किया, 2 साल ये काम किया, 4 साल ये काम किया, मतलब रेलिवेंस होनी चाहिए टाइम पीरियड में, जस्टिफाई करना पड़ेगा हमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर। और जहाँ तक यूएस की आप बात कर रहे हो, यूएस के अंदर भी वीजा के लिए वो बच्चा जा सकता है और उसके क्रेडेंशियल्स बड़े हाई चाहिए, लेकिन सर जस्टिफाई करने के लिए किसी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कुछ नहीं है, उसमें जॉब नहीं है, इसमें बिजनेस है, तो वो कैसे शो करेगा? मैडम वो बिजनेस की डिटेल्स को लगाएगा ना कि मैंने सर उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा? मैडम बिजनेस के पूरी डिटेल्स उनका ये देखना है कि ये बंदा बच्चा 10 साल ये ह्यूमन बीइंग 10 साल वेस्ट नहीं इसने किए, इसने उससे पहले क्वालिफिकेशन ली हुई थी, उस क्वालिफिकेशन को इसने यूज किया इन 10 सालों में काम करने के लिए, अब ये अपनी क्वालिफिकेशन को और बढ़ाना चाहता है इसलिए बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता है। नॉर्मली आप गूगल के ऊपर अगर फाइंड आउट करो डालोगे ना कि स्टूडेंट वीजा की एज क्या है, तो वो एज लिखेंगे 18 साल से लेके 35 साल या 38 ईयर्स, मगर ऐसा कभी नहीं होता, स्टूडेंट वीजा की कोई डेफिनेट एज नहीं है, ये गूगल जरूर दिखाता है आपको, हर चीज जो गूगल पे है वो सही नहीं होती, ठीक है? तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई डेफिनेट एज नहीं है स्टूडेंट वीजा की, 44 साल का बंदा भी आप स्टूडेंट वीजा के ऊपर जा सकता है, 25 ईयर्स का भी जा सकता है। अब जिन बच्चों ने यहाँ पे मास्टर्स की हुई है 2-3 दिन, वो कहते हैं हमने बाहर मास्टर्स नहीं करने जाना, हमने पीएचडी करने के लिए जाना, तो पीएचडी के लिए वो ऑब्वियसली उनकी एज 40-50 प्लस है, तो वो पीएचडी का एग्जाम वहाँ पे देते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, पीएचडी भी करने जाते हैं, ऐसा नहीं। हाँ जी आपको दे दें, हमारा अभी एक अभी 2 बच्चों के फाइनल लगे हुए हैं, क्रेडिट्स के साथ ही आएगा जो ऑफर लेटर है क्रेडिट्स के साथ।
पूरी हो गई कन्फर्म। ये तो मास्टर अफिलिएशन का ग्रेडर का है। एक प्लस टू वाले बच्चे को जो 2 साल के ग्रेड मिले हैं वो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड यूनिवर्सिटी से मिले हैं। एनी अदर क्वेश्चन मुझे? हाँ जी बताओ ना। सर इंडिया में से ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि हमने स्टडी करने जाना है कि या हमने सिर्फ प्रैक्टिकल काम करने ही जाना है, तो सर उनका वीजा बन जाता है? इंडिया से डायरेक्ट वर्क परमिट नहीं मिलता कनाडा के लिए? आप कनाडा के लिए पूछ रहे हो ना? नहीं मिलता वर्क परमिट, पहले मिलता था अब बंद हो चुका पिछले 2 साल से। मिलता वो एक कैटेगरी के अंदर सिर्फ मिल सकता है। अगर आप वहां पे कोई बिजनेस बाय करते हो कनाडा, यहाँ पे बैठ के कोई बिजनेस बाय करते हो कनाडा में, उस बिजनेस के अंदर जिससे बाय करोगे या आपका कोई नोन है वहाँ पे, वो एक डायरेक्टर होगा लोकल रेजिडेंट, एक आप यहाँ पे डायरेक्टर बन जाते हो। सो ओनर डायरेक्टर हो गए आप उस बिजनेस के, उस बेसिस के ऊपर आपकी इनकम इवेल्यूशन एक होती है जो की जाती है सबसे पहले। अगर वो अप्रूव कर देती है कैनेडियन गवर्नमेंट, जिस प्रोविंस में आपकी आपने वो बिजनेस बाय किया है वो प्रोविंस आपको फिर स्पॉन्सर करेगी फॉर LMIA कि ये जो पर्सन है इसने यहाँ पे बिजनेस बाय कर लिया, ये ओनर ऑपरेटर है, ओनर डायरेक्टर ऑपरेटर है, इसको उसको फिर प्रोविंस स्पॉन्सर करेगी, उसको LMIA दिया जाएगा 2 साल का, 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। उस 2 साल के अंदर उसको उसी प्रोविंस में रह के वही बिजनेस रन करना पड़ेगा। 1 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाएगा PR अप्लाई करने के लिए। 1 साल के बाद PR अप्लाई करेगा आइदर प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर जिसको PNP कहते हैं, ठीक है, या अंडर जनरल कैटेगरी, ठीक है, फिर उसको PR मिलेगी 1 साल के अंदर। तो ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप जा सकते हैं। अगर आपने स्टूडेंट वीजा नहीं लेना, जस्ट वर्क के लिए जाना है, तो मगर उसके लिए आपको बिजनेस खरीदना पड़ेगा, और बिजनेस खरीदने के लिए आपको कम से कम 200,000 खर्चने पड़ेंगे। 200,000 मतलब 2 लाख डॉलर, 2 लाख डॉलर मतलब 1,20,00,000 मिनिमम, 1,20,00,000 का बिजनेस हो गया। ये मिनिमम है प्राइस बता रहा है, ये बिजनेस के हो गए प्लस जो गवर्नमेंट का सारा प्रोसेस है, इनकम इवेल्यूएशन, स्पॉन्सरशिप बाय द प्रोविंस, वो रफली आपकी 30,000 के अराउंड हो जाती है, $30,000, ठीक है, सो एडिशनल 20 लाख, सो इट विल कम अराउंड 1.5 crore के आसपास, 1.5 crore के आसपास। तो अगर कोई इतना स्पेंड करना चाहता है तो आई कैन गिव 100 ऑप्शंस फॉर दैट। हाँ जी, फ्रेंच करने का फायदा होता है PR के लिए, पर फ्रेंच इतनी इजी लैंग्वेज तो है नहीं। देखो फ्रेंच का सबसे ज्यादा फायदा होता है क्यूबेक के अंदर, अगर आपने मॉन्ट्रियल में जाना है तो वहां पे PR के अंदर आपको प्रेफरेंस दी जाती है, पर अगर आप कहो बाकी प्रोविंसेस के अंदर आपको फ्रेंच का कोई यूज होगा वो ठीक है, उनकी लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड फ्रेंच को कंसिडर करते हैं, उसके पॉइंट मिल जाते हैं आपको 5 पॉइंट, पर ये नहीं है कि तो उसका कोई बहुत लंबा जोड़ा, उसके लिए जो आप मेहनत करोगे फ्रेंच के लिए वो बहुत ज्यादा। सर जैसे PR मिल जाती है पुर्तगाल या न्यूजीलैंड में, तो वो बोलते हैं भी आप कोई सी कंट्री में काम कर सकते हैं, वो यूरोपियन यूनियन है, यूरोप को ना, अच्छा यूरोपियन यूनियन बनाते हैं वो उन कंट्रीज के अंदर, पुर्तगाल में जैसे माल्टा वगैरह जो भी यूरोपियन यूनियन के अंदर कंट्रीज आते हैं वो उसके अंदर कहते हैं कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके काम कर सकते हैं, बट नॉट इन केस ऑफ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, ऐसे न्यूजीलैंड वाला ऑस्ट्रेलिया में कर सकता है। हां जी ऐसे ही होगा, मगर न्यूजीलैंड वाला यूके में जाके नहीं काम कर सकता। सही बात है। हां एनीथिंग एल्स, कोई और क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हो तो बताओ। क्योंकि पहले वहां पे जाता ही कोई नहीं था, अब उन्होंने रिलैक्स कर दिया कि उनको स्टूडेंट चाहिए, बंदी किया था उन्होंने, क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी स्टूडेंट वीजा के ऊपर चलती है।
आपको क्यों बताया 5 साल लगेंगे वर्क परमिट, 5 साल वर्क परमिट में रहोगे वो होना चाहिए आपके पास 5 साल का वर्क परमिट, तभी आप LTR अप्लाई करते हो लीव टू फील। इसीलिए हम सजेस्ट हमेशा रेको करते हैं कि आप उस कंट्री में जाओ जहाँ सबसे जल्दी आपकी PR होती है, वो कनाडा है। अगर बच्चे की प्रेफरेंस है नहीं जी मैंने तो जाना ही वहाँ पे है तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चला जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली तो हाँ वो तो कनेडा ही जाएगा। देखो अल्टीमेटली स्ट्रगल्स तो आपकी हैं, आपकी फैमिली की हैं, ठीक है, पर अगर हम उसको सही डायरेक्शन देके चलेंगे तो वही स्ट्रगल 10 साल से 4 साल में आ जाती है। जो PR 8-10 साल में मिलनी है वो आपको 4-5 साल में मिल जाएगी भाई यूपीए ना। तो अल्टीमेटली तो खुद ही करना पड़ता है सब कुछ, ये आपने डिसाइड करना है कि आपका अल्टीमेट एम क्या है। सिर्फ बाहर जाके पढ़ाई के नाम पे चले गए बाहर और जाके वहाँ पे इल्लीगल हो जाओगे थोड़े साल के बाद और ऐसी काम करते रहे 2 नंबर के अंदर, अगर मिनिमम रेट $15 है तो आपको $8 मिलेंगे। अगर वो काम करना चाहते हो वो आपकी प्रेफरेंस है, उसके अंदर आपको भी टेंशन सारी ज़िंदगी की, पेरेंट्स को भी फैमिली को भी लगा जाता है कभी तक बच्चा पक्का नहीं हो, कई इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं फ्रस्ट्रेट होकर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ आपके पास ईजी वे है, 4-4.5 साल के अंदर आपकी PR हो रही है, पक्के हो जाओगे, डिग्री आपके हाथ में होगी, अच्छी जॉब मिलेगी, स्टार्टिंग जॉब $22-25 से मिलती है, ठीक है ना। डिप्लोमा करके जॉब करोगे $15 की मिलेगी, डिग्री करके करोगे तो $25 की जॉब मिलेगी, ठीक है ना। तो ये फर्क होता है, आप खुद समझ आ रहे हो। जैसे यहाँ पर भी आप एक जॉब लेने के लिए जाओगे, एक बच्चे ने डिप्लोमा किया हुआ जिसने डिग्री की हुई है, डिग्री वाले को प्रेफरेंस देंगे ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नॉलेज तो उसको ज्यादा होगी ना जिसने खत्म किया डिग्री। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या पाथ चूज करना है। सर जैसे बोल रहे हैं कि वर्किंग हॉलीडे वीजा अभी हम इंडिया में भी हो रहा है, लोग कौन सा वीजा वर्किंग हॉलीडे वीजा आ रहा है, वर्किंग हॉलीडे वीजा कौन सा होता है सर? उसमें बोल रहे हैं कि वे जैसे हमें आईलैंड्स वगैरह में बैंड ज्यादा था चाहिए होते हैं, कौन से कंट्री के लिए? न्यूजीलैंड में बोल रहे हैं, अभी तक ऐसा कुछ आया तो वो बोल रहे हैं कि अभी आएगा वो वहाँ पे तो अलाउ हो गया सर। अभी तक तो जो कोविड की सिचुएशन चल रही है अभी तक तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं आया। नहीं मेरा ब्रदर है ना वही वो बता रहे थे कि वर्किंग हॉलीडे वीजा आएगा कोई, तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ने तो एंट्री बैन की हुई है इससे। नहीं वो बता रहे थे सर उन्होंने अभी कोई अभी तक कुछ आया नहीं है, अभी तक कुछ नहीं आया। कनाडा में भी उन यूनिवर्सिटीज के पास अलाउड है स्टूडेंट जाने, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनको कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्पेशल परमिशन दी हुई है, वहाँ पे बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई करके बच्चे ट्रैवल करके जा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे जा नहीं पा रहे, जा रहे हैं बच्चे, हमारे अपने 2 स्टूडेंट जा रहे हैं अभी नेक्स्ट मंथ समझी गया। ये कि वहाँ जाके क्वारंटाइन करना पड़ता है 14 दिन के लिए, वो तो नॉर्मल सा प्रोसेस है। और एनीथिंग एल्स? सो दिस वॉज द जस्ट जो मैंने आपको ब्रीफ में सारा बताया, और आपको डिटेल चाहिए तो आप अपने सर रजीत सर से पूछ सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस मेरे नंबर्स आप दे सकते हो डायरेक्टली, आप पूछना चाहो कोई भी क्वेश्चन एनीथिंग यू कैन आस्क, यू वांट टू आस्क यू आर मोर देन वेलकम। तो मैं इंडिया में आता रहता हूँ, अभी मैं पिछले 3-4 वीक से यहीं पर था, नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग बैक टू कैनेडा, आई स्टे इन कैनेडा ओनली, टोरंटो में रहता हूँ, but I keep on coming from Toronto every 2 months मैं आता हूँ यहाँ। so if you have any queries यहाँ पे पूछनी है बाहर पूछनी है कभी भी any time you can just give me a call, I will be more than happy to answer your questions। sir जो colleges Canada में work permit नहीं देते तो study पूरी होने के बाद कर सकते हैं उसके बाद permit apply? जिस college के बाद PGWP approved program नहीं है दैट मीन्स वो कॉलेज के पास ऑथराइजेशन नहीं है वर्क परमिट देने की, ठीक है, वहाँ पे आप बच्चे को वर्क परमिट नहीं मिले कुछ नहीं हो सकता। उसका एक ही तरीका है आप वहाँ से उस कॉलेज से ख़त्म करके फिर आप किसी गवर्नमेंट एक्रेडिटेड कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे अलग से क्वालिफिकेशन करोगे कोर्स करोगे उसके बेस के ऊपर आपको वर्क परमिट मिलेगा, बस जिसके पास नहीं है उसके बेस पे। मैं आपको बताऊँ एक PGWP होता है, DLI भी होता है, शायद आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो कि DLI
अगर है कॉलेज के पास तो उस कॉलेज के बच्चे को वर्क परमिट मिलेगा ना। DLI होता है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। DLI नंबर कैनेडियन गवर्नमेंट उन कॉलेजेस को इशू करती है जिनके 3 साल पूरे हो जाते हैं कनाडा में और जिसमें से 15 से लेकर 20 ग्रेजुएट्स बच्चे निकल जाते हैं पास आउट, उनको DLI नंबर इशू होता है। DLI नंबर का पर्पज है कि जिन कॉलेजेस के पास DLI नंबर होता है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली एडमिशन दे सकते हैं। मगर हर एक DLI इंस्टीट्यूशन के पास PGW की अप्रूव प्रोग्राम नहीं होता, क्योंकि आज से 3 साल पहले कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला था, जितने कॉलेजेस के पास PGW की अप्रूव प्रोग्राम्स थे वो वापस ले लिए गए थे। बहुत थोड़े कॉलेजेस हैं कैनेडा में जिनके पास, जो बहुत पुराने चल रहे हैं, जिनके पास ये PGW की अप्रूव प्रोग्राम है। अदरवाइज ये सारे के सारे प्रोग्राम सिर्फ डिग्री ये अपना यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर है या कुछ कॉलेजेस में जो बहुत पुराने हैं। तो आप DLI और PGWP को मिक्स ना करें। एनी अदर क्वेश्चन? ओके जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर सो मच पेशेंस आपने। मुझे पता है पहली बार जब हम ये सब कुछ सुनते हैं तो सब कुछ हमारे अंदर नहीं जा सकता, टाइम लगता है थोड़ा, बिकॉज ये इसमें इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इतने इफ्स एंड बट्स हैं, आपके माइंड में भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होते, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे मुझे नहीं सुन रहे, मेरे को सुनने से पहले और मेरे को सुनने के बाद आप बहुत लोगों से इस बारे में डिस्कशन भी करोगे, की भी होगी, ठीक है ना। हर एक का अपना एक डिफरेंट व्यू होता है, पर मैंने आपको यहाँ पे वही सब कुछ बताया जो इन रियलिटी रियल पिक्चर है आजकल चल रही है, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी है यू आर मोर देन वेलकम, अदरवाइज आप गूगल के ऊपर जाओ, जो कुछ मैंने बोला है आपको वहाँ पे ऑथेंटिकेट आप कर सकते हो कि जो कुछ बोले बिल्कुल सही बोला है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, वंडरफुल इन्फॉर्मेशन शेयर बाय डॉक्टर निकास क्वेश्चन। वंस अगेन आई थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निकास क्वेश्चन फॉर स्पेयर योर वैल्यूएबल टाइम आफ्टर योर विजिट के लिए। आई ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक बलजीत सर, चेयरमैन के मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज, टू अरेंज सच ए वंडरफुल करियर काउंसलिंग सेमिनार फॉर अस। आई ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक यू ऑल द ऑडियंस हू आर प्रेजेंट ओवर हियर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।